हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्लो ऑफ ज्ञान। आज हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझेंगे। तो अर्थ के इंटीरियर में जो क्या बनावट है, कंपोजिशन क्या है, लेयर्स क्या हैं, स्ट्रक्चर कैसी है, वो सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, कैसे पता चलता है कि उनके अंदर की बनावट क्या है अर्थ के इंटीरियर की। तो उसके लिए कुछ डायरेक्ट मेथड हैं, जैसे कि ड्रिलिंग। ड्रिलिंग एक टूल है जिसे अर्थ का इंटीरियर का पता चलता है, लेकिन कुछ लिमिटेड किलोमीटर तक ही पता चल सकता है। क्योंकि एक और चीज़ क्या होती है इसमें, जैसे ही डेप्थ के साथ हम अंदर बढ़ते जाते हैं पृथ्वी के अंदर, तो क्या होती है, टेम्परेचर राइज देखने को मिलता है, जो कि हर एक किलोमीटर पर 25 डिग्री सेल्सियस का राइज देखने को मिलता है। इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। और मोस्टली जो भी होल किए गए हैं वो क्या है, अपर ही क्रस्ट में किए गए हैं, जो 7 किलोमीटर तक ही लिमिटेड है। जो अब तक का सबसे डीपेस्ट होल है वो है कोला सुपर डीप बोर होल, जो कि 12 किलोमीटर डेप्थ तक किया गया है, वो रसिया में किया गया है। उससे पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर की इंटीरियर कैसा है। दूसरा, मेटोराइट से भी पता चलता है, ये भी एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। क्योंकि ऐसा माना जाता है जो कोर्स और मेंटल हैं वो दूसरे प्लानिटरी बॉडीज के वो क्या हैं, विद इन द सोलर सिस्टम से ही बने हुए हैं। दूसरे जो प्लानिटरी बॉडीज हैं वो सेम टाइम पे बने हैं और सेम मटेरियल से बने हैं, जैसे कि हमारी अर्थ बनी हुई है। सिस्मिक वेव से एक कंप्लीट कंप्रिहेंसिव पिक्चर पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। पार्टिकुलर वेलोसिटी जिस पे ये सिस्मिक वेव ट्रेवल करती हैं वो लेयर के बारे में एक क्लू प्रोवाइड करती है कि वह उसका लेयर कैसा है, वहाँ का मटेरियल कैसा है, केमिकल कंपोजिशन उस लेयर की कैसी है। अगर अर्थ सेम कंपोजिशन का है वहाँ पे, तो डिक्रीज इन वेलोसिटी देखने को मिलती है, जिसे बोला जाता है एटेन्यूएशन। लेकिन 200 किलोमीटर इनसाइड अगर अर्थ हम जाते हैं तो वहाँ सिस्मिक वेव क्या देखने को मिलती है, हायर वेलोसिटी देखने को मिलती है सिस्मिक वेव की। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे डेंसर मटेरियल है, डेंसर लेयर है। सिस्मिक वेव क्या होती है, डेंसर मटेरियल से ट्रेवल फास्टर ट्रेवल करती हैं। डिफरेंट लेयर हैं इनसाइड द अर्थ। इसी के आधार पे अर्थ का इंटीरियर का लेयर डिटेक्ट होता है, एक बाउंड्री डिटेक्ट होती है, जैसे कि क्रस्ट और डेंसर जो मटेरियल नीचे होता है, डेंसर लेयर होती है मेंटल, उसके बीच में एक बाउंड्री का निर्माण देखने को मिलता है। क्रस्ट और मेंटल की बाउंड्री को बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये मोहोरविक एक जियोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पे ये पड़ा है, उन्होंने इस बाउंड्री का खोज किया हुआ था। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेव्स एंड देयर प्रोपेगेशन गिव्स अ रोबस्ट आइडिया। सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है वेव्स की और उनकी ट्रेवल की, तो अर्थ के इंटीरियर का और स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में एक कंप्लीट आइडिया मिलता है। 3 टाइप्स के सिस्मिक वेव होते हैं, पी प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव एस वेव, सरफेस वेव एल वेव। एल वेव क्या होती है, सरफेस पे ट्रेवल करती है और उससे अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता करने में आसानी उतनी नहीं मिलती है, उससे उतना ये हेल्पफुल नहीं होता है ये, लेकिन डेंजरस होते हैं ये, सरफेस पे ट्रेवल करते हैं इसलिए डेंजरस होते हैं। पी वेव क्या है, फास्टेस्ट होती है और ट्रेवल करती है सिस्मिक इवेंट से, बहुत तेज़ी से ट्रेवल करती है और लॉन्गिट्यूडनल प्रोपेगेशन होता है इसका, लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल करती है। और दूसरा, ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों से ट्रेवल कर सकती हैं। एस वेव क्या होती है, स्लोअर ट्रेवल करती है पी वेव से, और ये सॉलिड से ही केवल ट्रेवल कर सकती है। जब सिस्मिक वेव पास करती हैं डिफरेंट जियोलॉजिकल लेयर से, तो वहाँ पे वेलोसिटी भी डिफरेंट देखने को मिलती है, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से पता चलता है। अगर कंपोजिशन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लेयर क्या है, अचानक से चेंज हो रही है बाउंड्री पे, तो सिस्मिक वेव क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे उस बाउंड्री से या रिफ्रैक्ट करेंगे अगर उसके बाउंड्री से पास कर जा रही हैं, अगर मीडियम डेंसर है तो। दूसरा, इसमें इस फिगर में दिखाया गया कि लेयर ए और लेयर बी, एक सोर्स से लाइट आ रही है और बी बाउंड्री से टकरा के ये चली जा रही है, ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। दूसरे वाले में क्या दिखाया गया कि सिस्मिक वेव बेम्ड कर जा रही है नॉर्मल पोजीशन से, मीडियम अगर डेंसर है तो वहाँ से वो क्या हो रही है, दूसरा वाला लेयर क्या है, मीडियम क्या है, लेस डेंस है, दूसरा लेयर बी क्या है, डेंस है, तो वो नॉर्मल पोजीशन से क्या हो गई,
बेंड हो जा रही है। अब बाउंड्रीज ऑफ वेरियस लेयर ऑफ अर्थ कंपोजिशन के आधार पर क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री का निर्माण होते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मेंटल और कोर के बीच में जो बाउंड्री होती है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। फेज चेंज क्या होता है, इनर से आउटर कोर की तरफ, लिक्विड से सॉलिड की तरफ। 400 किलोमीटर डिसकंटिन्यूटी जो देखने को मिलती है वहाँ पर एक ओलिवाइन टू स्पाइनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। 660 किलोमीटर डिसकंटिन्यूटी जो देखने को मिलती है स्पाइनल स्ट्रक्चर टू पेरोब्स्काइट देखने को मिलती है। ये डायग्राम में दिखाया गया है 0 to 400 यहाँ पे सबडक्शन जोन्स, उसके 400 to 650 यहाँ पे बीच में दिखाया गया है। क्रस्ट एंड लिथोस्फियर दिखाया गया है। मिड ओशियनिक रिज दिखाया गया है। सैलो मेंटल दिखाया गया है। ट्रांजिशन जोन दिखाया गया है। नीचे उसके स्टेनोस्फियर दिखाया गया है, लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, इनर कोर। लिथोस्फियर रिजिड होता है, एस्थेनोस्फियर प्लास्टिक स्टेज में होता है, मेसोस्फियर रिजिड होता है, आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है 0 to 75 किलोमीटर होता है। ओशियनिक क्रस्ट 0 to 10 किलोमीटर और अपर मेंटल 0 to 400 किलोमीटर। ट्रांजिशन जो 400 to 650 किलोमीटर। लोअर मेंटल क्या होता है 650 to 2890 किलोमीटर। डी लेयर क्या होते हैं 2700 to 2890 किलोमीटर। आउटर कोर 2890 to 5150 किलोमीटर। इनर कोर 5150 to 6370 किलोमीटर। ये भी दिखाया गया इसमें क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। जो अपर मेंटल होता है, मेंटल्स जो होते हैं वहाँ पे सिलिकेट की मात्रा पाई जाती है, पेरिडोटाइट होता है बेसिकली वहाँ पे। और दूसरा आउटर कोर आयरन एंड सल्फर, इनर कोर में निकल्स की मात्रा पाई जाती है सॉलिड स्टेट में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में आप समझते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, क्रिस्टलाइन रॉक से बना होता है, मेनली क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार से। 0 to 75 किलोमीटर की थिकनेस होती है। एवरेज कंपोजिशन क्या होती है, एंडेसाइट की। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर होता है और लेस डेंस मटेरियल से बना होता है ओशियनिक क्रस्ट के अगर कंपैरिजन किया जाए तो। ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है, इसके ऊपर फ्लोट करता है और आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे बना रहता है मैग्मा का। और ये प्लेट्स में डिवाइड होते हैं, मैग्मा पे ये क्या होते हैं इक्विलिब्रियम बनाए रखते हैं और प्लेट्स में डिवाइड होते हैं एक दूसरे के अपेक्षाकृत। और ये क्या होती है, इनकी अलाइनमेंट भी चेंज होती है कॉन्टिनेंट के, तो टाइम के साथ ये चेंज होती रहती है। तो इसमें जब ये अलाइनमेंट चेंज देखने को मिलती है तो इसमें एक भूकंप भी देखने को मिलता है। लोअर लिमिट जो अर्थ की क्रस्ट की है वो एक डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है जो क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करती है। मोहो डिसकंटिन्यूटी एक ट्रांजिशन जोन है लोअर टू हायर डेंसिटी सिलिकेट की देखने को मिलती है। ट्रांजिशन लेयर जो होती है 0.1 to 0.5 किलोमीटर थिक होती है, 5 to 10 किलोमीटर ये ओशियन फ्लोर पे होती है और 20 to 90 किलोमीटर कॉन्टिनेंट के नीचे होती है। इसीलिए क्रस्ट जो क्या है थीकर है अंडर लैंड देन अंडर ओशियन। ओशियन की बनिस्पत ये क्या है लैंड के नीचे ये थीकर होता है क्रस्ट। लेयर जो है ये यहाँ पे टेम्परेचर देखने को मिलता है 500 to 600 डिग्री सेल्सियस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बेस में और 150 to 200 डिग्री सेल्सियस सब ओशियनिक डिसकंटिन्यूटी में देखने को मिलती है। एवरेज डेंसिटी जो होती है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे बाउंड्री बिटवीन फेल्सिक मैफिक क्रस्ट के बीच में देखने को मिल रही है, ग्रेनाइटिक रॉक इन कॉन्टिनेंट एंड बेसाल्टिक रॉक इन ओशियन बेसिन विथ सिस्मिक वेलोसिटी पी वेव्स अराउंड 6 किलोमीटर पर सेकेंड की ट्रेवल कर रही है और डेंसर अल्ट्रा मैफिक मेंटल है, अल्ट्रा मैफिक रॉक पायरोलाइट और समथिंग सिमिलर, वहाँ वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड देखने को मिलती है। मेंटल क्या है 2890 किलोमीटर थिक है, हॉटर है, डेंसर लेयर है क्रस्ट के नीचे। अल्ट्रा मैफिक इन कॉम्पोजिशन है, बेसिकली फेरस मैग्नीशियम सिलिकेट का बना हुआ है। 70% अर्थ का जो मास है इसी से बना हुआ है। प्राइमरी सोर्स ऑफ बेसाल्टिक इग्नियस रॉक का यही है, इसी के सरफेस पे पाया जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं डेप्थ के साथ, एवरेज ग्रेडियंट देखा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। टेम्परेचर जो है बेसिकली क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो रेडियो एक्टिव डीके के कारण होते हैं। रेडियो एक्टिव डीके से ही एनर्जी रिलीज होती है। बेसिकली क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं
जो कि जैसे कि थोरियम, यूरेनियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं? डिसइंटीग्रेट होते हैं, टूटते फूटते हैं और आइसोटोप में डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो इससे एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे बोला जाता है रेडियो एक्टिव डीके। और ये मेंटल में, मेंटल जो है वो थ्री लेयर में डिवाइड है, अपर मोस्ट मेंटल, एस्थेनोस्फियर एंड लोअर मेंटल। अपर मोस्ट जो मेंटल है वो रिजिड होता है और क्रस्ट के साथ ही फ्यूज रहता है और एक लिथोस्फियर का निर्माण करता है, डेप्थ जो होती है 100 किलोमीटर तक। फाउंड इन इरोडेड माउंटेन बेल्ट एंड कंटेन ओलिवाइन, ये माउंटेन में इरोडेड फॉर्म में पाया जाता है और ओलिवाइन इसमें होती है और पायरोक्सिन भी होती है। ये मिनरल्स क्या होते हैं? हायर टेम्परेचर में क्रिस्टलाइन हो जाते हैं और पार्सली माउंटेन स्टेज में होते हैं। एस्थेनोस्फीयर जो लो टेम्परेचर पे डेंस होता है, इसमें गार्नेट की प्रेजेंस होती है, इस कारण से ये क्या होता है? डेंस होता है। एट हायर टेम्परेचर ये बायोंट हो जाता है, हायर टेम्परेचर में ये तैरने लगता है, बायोंट कंडीशन में आ जाता है। एज द मिनरल्स जैसे कि सम अदर कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इजीली क्या होते हैं? मेल्ट होके फॉर्म करते हैं बेसाल्ट, और ये राइज करता है अपर लेयर की तरफ एज अ मैग्मा के रूप में। एस्थेनोस्फीयर क्या है? प्लास्टिक स्टेज में होता है, पार्शली मोल्टेन कंडीशन में होता है और 3% मोल्टेन स्टेज में होता है। लोअर मेंटल नियरली हाफ ऑफ द अर्थ मास होता है, हाफ ऑफ जो अर्थ का मास है वो लोअर मेंटल होता है। ये बेसिकली मैग्नीशियम सिलिकेट पेरोवस्काइट का बना होता है, मैग्नीशियम, फेरस, अल्मोनियम, सिल्कियन, अल्मीनियम की ऑक्साइड्स, अल्मीना, मैग्नीशियो उस्टाइट, मैग्नीशियम फेरस ऑक्साइड, कैल्शियम सिलिकेट पेरोवस्काइट, कैल्शियम सिलिकेट। और दूसरा इसमें लोअर मेंटल जो होता है ऑक्साइड ऑफ सिलिकन और मैग्नीशियम का बना होता है, प्रोबेबली ये क्या है? आयरन और कैल्शियम एल्यूमिनियम है। दूसरा, मेंटल के अंदर सिस्मिक वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है डेप्थ के साथ, और लेकिन कुछ लो वेलोसिटी जोन भी देखने को मिलता है जो कि 660 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पे ओलिवाइन क्या होता है? एक डेंसर मटेरियल में कन्वर्ट होता है, पेरोवस्काइट में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि प्रेशर क्या होती है? कोलैप्स होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की, कोलैप्स कर देती है इंटरनल स्ट्रक्चर, कुछ मिनरल की इंटरनल स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देती है और डेंसर पैकिंग का निर्माण करती है। एब्सेंस ऑफ अर्थक्वेक बिलो 660 किलोमीटर इज इनडायरेक्ट एविडेंस। 660 किलोमीटर के नीचे यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं देखने को मिलता है। केमिकल बाउंड्री जो है ये पेनिट्रेटिव कन्वेक्शन को रोक देती है। इंस्टेड ऑफ फेज चेंज फाउंड्री फ्रॉम रिंग उटाइड एंड पेरोवस्काइट मैग्नीशियो उस्टाइड। गुटेनबर्ग क्या है? ट्रांजिशन जोन है लोअर मेंटल टू आउटर कोर बाउंड्री। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एक बाउंड्री है जो कि 2890 किलोमीटर पर देखने को मिलती है। यहाँ पे सिस्मिक वेव में अचानक से चेंज देखने को मिलता है। पी वेव्स क्या होती है? डिक्रीज करती है वेलोसिटी में, जबकि एस वेव क्या कर डिसअपियर हो जाती है, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे इट मस्ट बी नोटेड दैट द एस वेव कैन नॉट ट्रांसमिट थ्रू लिक्विड। एस वेव जैसे कि आपको पता है कि लिक्विड से ट्रेवल नहीं कर सकती है। इस तरह हम पता लगा सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं कि जो यूनिट अबव द डिसकंटिन्यूटी है वो सॉलिड है, जबकि यूनिट बिलो है वो लिक्विड है, मोल्टन कंडीशन में है। डायमीटर ऑफ कोर, जो कोर का डायमीटर है वो प्लैनेट मार्स के साइज के बराबर है। 2892 6378 किलोमीटर होता है। थिकनेस क्या है? 3488 किलोमीटर। कोर जो होता है क्वाय दोगुना डेंसर होता है मेंटल के, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली आयरन और स्मॉल अमाउंट ऑफ निकल और सल्फर से मिलके बना होता है। दो डिस्टिंक्ट लेयर देखने को मिलती है यहाँ पे, थिक लिक्विड आउटर कोर और थिक सॉलिड इनर कोर। अर्थ जो रोटेट करता है तो आउटर लिक्विड कोर क्या करता है? स्पिन करता है और ये अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। आउटर कोर क्या है? हॉट है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लिक्विड है, विद इन विच कन्वेक्टिव मोशन अकर्स। आउटर कोर क्या है? हॉट होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लिक्विड होता है और कन्वेक्टिव मोशन इसमें होते हैं। कंडक्टिव लेयर क्या करता है? कंबाइन करता है अर्थ के रोटेशन के साथ और एक डायनेमो इफेक्ट का निर्माण करता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को की जो सिस्टम बनती है उसको मेंटेन करता है। इसी को बोला जाता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। प्रेजेंस ऑफ टू शैडो जोन देखने को मिलता है, पी एंड एस वेव।
एस वेव शैडो जोन अकर्स वेयर एस वेव डू नॉट रीच द एरिया ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अर्थ। एस का शैडो जोन देखने को मिलता है क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ अर्थ के ये पहुंच नहीं पाता है, जहां से अर्थक्वेक एपिसेंटर से निकलता है वहां के दूसरी साइड में ये पहुंच नहीं पाता है। इसका अब्सेंस जो है ये बताता है कि ये कोर से पास नहीं हो रही है। एस वेव एट लार्जर डिस्टेंस पी वेव डू अराइव, दूसरे डिस्टेंस पे लार्जर डिस्टेंस पे पी वेव अराइव करती है बट एस वेव नहीं करती। इसका मतलब है कोर एटलीस्ट पार्ट ऑफ कोर इज इन लिक्विड स्टेट, एस वेव आर नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू लिक्विड। मतलब कोर का कुछ पार्ट जो है लिक्विड स्टेट में है, स्टेट में है, तो एस वेव उसमें से पास नहीं कर रही हैं। लिक्विड आउटर कोर जो होता है वो बताता है कि एस वेव शैडो जोन बन रहा है यहाँ पे। बिटवीन 103 डिग्री 11,500 किलोमीटर फ्रॉम एपी सेंटर एंड 142 डिग्री 15,500 किलोमीटर फ्रॉम एपी सेंटर, फ्रॉम द एपी सेंटर अर्थक्वेक, जहाँ पे अर्थक्वेक का एपी सेंटर बनता है वहाँ से दूसरा रिफ्रैक्शन रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि सडन इंक्रीज पी वेव की देखने को मिलती है, पी वेव वेलोसिटी की। और पी वेव शैडो जोन क्या होता है 5,150 किलोमीटर पे बनता है। इस वेलोसिटी इंक्रीज में चेंज भी देखने को मिलता है मोल्टेन आउटर कोर से सॉलिड इनर कोर की तरफ। इसलिए हम कह सकते हैं ऐसे कि अर्थक्वेक वेव सजेस्ट करती है कि अर्थ का डेंस लिक्विड कोर है और 1/2 जो रेडियस है अर्थ का इनसाइड दैट सॉलिड इनर कोर है। ये डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, एपी सेंटर से यहाँ निकल रही है वेव्स और एस वेव का यहाँ पे स्टॉपेज देखने को मिलता है 103 डिग्री सेल्सियस पे, एस वेव शैडो जोन बन रहा है यहाँ पे। ईपी सेंटर से यहाँ भी निकल रही है जो, उसके बाद स्लो पी वेव देखने को मिल रही है, यहाँ पे पहुँच रही है 103 टू 142 डिग्री से 142 डिग्री पे पी शैडो जोन देखने को मिल रहा है। पहला जो इसमें डायग्राम में दिखाया गया है फर्स्ट वाला फर्स्ट नंबर वो कोर है, सेकंड मेंटल है, थर्ड क्रस्ट है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आशा करता हूँ ये आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।